subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. YouTube पर Tag TV का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाइए। किसी किस्म का चैलेंजिंग जमाना हो, Tag TV अपने व्यूज और न्यूज लाने में देर नहीं करता। आपका तावन भी हमें चाहिए। Tag TV को अगर आप स्पॉन्सर्स कर सकें, आप इश्तहार दे सकें, तब भी हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। किताबें जो पढ़ी जाती हैं मगर समझी नहीं जाती, किताबें जो लिखी जाती हैं मगर पढ़ी ही नहीं जाती, किताबें जो मकबूल होती हैं मगर कबूल नहीं होती, किताबें जो बेमिसाल होती हैं मगर मसाली नहीं बनती। किताब नगरी में किताबों का चर्चा हर हफ्ते लेकर आऊँगा आपके लिए, अपने लिए। किताब नगरी ताहिर गोरा के साथ। कुछ आपको आवाज़ का मसला इस शो में आएगा, चूँकि स्काइप पे जो हमारा वीडियो लिंक है दोनों तरफ से वो बहुत क्लियर नहीं था, शायद वाईफाई की वजह से, मगर बातचीत बहुत क्लियर थी। और वो बातचीत ये है कि इस बातचीत को आगे जाना चाहिए। किताब नगरी ताहिर गोरा के साथ। किताब नगरी में ताहिर गोरा आपको खुशामदीद कहता है। बहुत दिनों बाद किताब नगरी में आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ। कोविड 19 का जोर रहा कनाडा में बहुत, और कोविड 19 के इसी जोर के समय में बहुत सारी किताबें पढ़ी, बल्कि किताबें तो हम पढ़ते रहते हैं, कुछ किताबें ज़्यादा पढ़ी। और इस बात पर भी जोर दिया कि भारत में इस वक्त क्या लिखा जा रहा है और क्या लिखा गया, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी हम बातचीत को जोड़ें और ज़्यादा इस पे बातचीत करें, क्योंकि भारत में किताबों की दुनिया पर जोर है। भारत में अभी भी कोविड का जो जोर है वो है, बढ़ रहा है। कनाडा में कोविड का जोर कुछ कम हो रहा है। हम दुआ करते हैं कि ये कोविड ख़त्म हो, क्योंकि किताबें हम सिर्फ कोविड के ज़माने में ही नहीं पढ़ रहे, किताबें तो पढ़ते रहेंगे और पढ़ते रहना चाहिए। आज स्टूडियो में मेरे साथ जुड़े होंगे दो बहुत ही ख़ास लोग, सैयद तसनीफ हैदर, जो अदबी दुनिया एक बहुत ही बढ़िया यूट्यूब का चैनल भी है, जिनके साथ होंगे महेश दत्त जी। महेश दत्त जी भी भारत की हिंदी पब्लिशिंग, उर्दू पब्लिशिंग, अंग्रेज़ी पब्लिशिंग के साथ जुड़े हुए हैं एक लंबे समय से। इसके साथ साथ वो लिखने में भी बहुत मगन रहते हैं, ट्रांसलेशन की दुनिया से भी उनका बहुत काम है। इन दोनों हस्तियों के साथ हम बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत की किताब नगरी किस तरह की इस वक्त दिखाई देती है, किस तरह जाती दिखाई दे रही है, क्या इसका इतिहास है। ये सब बातें आज हम किताब नगरी में करेंगे। तो मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं सैयद तसनीफ हैदर भाई और महेश दत्त भाई, दोनों भारत में हैं। और इस वक्त हम बातचीत करेंगे कि भारत की जो किताब नगरी है वो किस तरह की दिखाई देती है। और मैंने जैसे अभी पीछे कहा कि तसनीफ हैदर भाई का जो YouTube चैनल है अदबी दुनिया, वो एक मार्के की चीज़ है। तो मैं तसनीफ भाई से बातचीत शुरू करता हूँ। तसनीफ भाई, हम जब अदबी दुनिया पर नज़र डालते हैं तो इस वक्त दर्जनों, बल्कि अब तो सैकड़ों कहना चाहिए, वीडियोस जो एक्चुअली ऑडियो बुक्स हैं जो वहाँ पे अपलोड हैं, जो भारत में जिस तरह का लिटरेचर, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो उर्दू का हो और चाहे वो अंग्रेज़ी का हो, आपने उसका भी तर्जमा किया और इंटरनेशनल लिटरेचर का भी आपने तर्जमा किया और उसमें लगाया हुआ। तो तस्नीम भाई, ये जो किताब नगरी में आपका योगदान है, जो आपका हिस्सा है, आपको इसके बारे में क्या लगता है कि ये भारत के अदबी मंजरनामे पे या जो किताब नगरी का जो लैंडस्केप है उस पर क्या ये इम्पैक्ट रखेगा? ताहिर साहब, अव्वल तो बहुत बहुत शुक्रिया टैग टीवी के थ्रू में दावत के लिए। और दूसरी बात यह कि अदबी दुनिया में 8 साल पहले जो शुरू किया था, तब इरादा था कि कुछ जैसे शायरी है वो
इंटरनेट पे अवेलेबल है उर्दू शायरी, और वो पूरे खत्ते में यहाँ भरे सभी जो साउथ एशिया में बहुत पसंद की जाती है, तो बाहर भी पूरी दुनिया में सारे लोग वाले हैं। लेकिन एक चीज की कमी थी वो बहुत ज्यादा खटक, कहीं भी उर्दू का जो फिक्शन है या नॉन फिक्शन है या फिर फिक्शन है वो एक दूसरे तक नहीं पहुंचता। हिंदी वालों का फिक्शन उर्दू वालों तक नहीं पहुंचता और उर्दू वालों का जो फिक्शन है वो हिंदी वालों तक नहीं पहुंचता है। यहाँ इतने बड़े बड़े इदारे हैं हिंदुस्तान में जो उर्दू के लिए काफी काम करते हैं, उसके साथ ये कहना पड़ता है कि उन्होंने अब तक यही नहीं किया कि सिर्फ हिंदी में छपी हुई जो बेहतरीन किताबें हैं उनके ही राइट लेके तो उर्दू में कर देते हैं, और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बस रिपीट कर देते वाले आसानी से कनेक्ट कर सकते थे। और इसमें बहुत सारे ऐसे नाम है, जाहिर है की किताबें हैं, कुछ एनबीटी ने किया भी है और कुछ ऐसे सारे काम हुआ भी है, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत ही कम, मतलब जितना ज्यादा जितना अच्छा हिंदी में लिखा गया है वो नहीं आ पाया तक वो उनको अच्छा। इसकी वजह ये हो सकती है कि शायद डायरेक्ट हिंदी में होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा जो वहाँ पर हमारे यहाँ गजल का जो रुझान है उतना ज्यादा है, तो उसकी वजह से शायद उतना उतनी अहमियत नहीं मिली, उतनी अहमियत नहीं मिली। तो हमने सोचा कि कैसे तैयार किया जाए जिसमें कहानियां दोनों तरफ की, हिंदी और उर्दू की कहानियां जो है वो अपलोड की जाए उसी जबान में की जाए। तो आप देखेंगे कहीं कहीं भी मुश्किल कोई भी ऐसी चीज है वो कोई किसी तरह का हर्डल नहीं बनता है, और वो इजीली लोग उसको समझते हैं और वो उसको बहुत आसान करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोगों के मेल आते हैं और काम के बहुत हालांकि अदब को पसंद करने वाला जो तबका है वो पूरी दुनिया में बहुत महदूद तबका होता है, लेकिन फिर भी उसको बहुत पसंद करते हैं लोग इस तरह से। तो ये एक पूरा, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में इसकी काफी पेजीराई हुई है, काफी लोगों ने पसंद किया है, इसकी वजह से बड़ा हौसला मिलता है और हम लगातार कर रहे हैं। तकरीबन 1000 से ज्यादा फाइलों को अपलोड कर चुके हैं और ज्यादातर कहानियों की। महेश दत्त भाई, अभी तसनीफ भाई ने बताया कि किस तरह उनका यूट्यूब चैनल कंट्रीब्यूट कर रहा है भारत की जो किताब नगरी का लैंडस्केप है उसमें। तो महेश भाई, आप पब्लिशिंग दुनिया से एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं, राइटिंग की दुनिया से जुड़े हुए हैं, आप तसनीफ हैदर भाई की बात को आगे किस तरह लेकर चले? जी, एक तो मैं नहीं, जो वो कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि चाहे वो एनजीटी हो या लोगों का जो किरदार रहा है हमारे अदब की दुनिया में लिटरेचर को प्रमोट करने में, खासकर हिंदुस्तानी, मैं बहुत पॉजिटिव नहीं हूँ उसको लेकर। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है एनजीटी करने का, लोगों का काम करने का। मेरा मानना ये है कि जब तक हम लोग कमर्शियल वर्ल्ड में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाएंगे ये सब बहुत मुश्किल है, क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार अदब पर कुछ काम करती ही नहीं। ICCR जैसा महकमा हमारे पास है, पैसा है उनके पास, लेकिन हमारे यहाँ कोई इस तरह का प्रोग्राम नहीं है जिसमें हम हिंदुस्तानी लिटरेचर को या हमारी किताबों को बाहर लेकर जा पाए। आपको डांस के प्रोग्राम मिल जाएंगे जो बाहर जाएंगे, आपको कोई अनुपम खेल या फ्लोर थिएटर करेगा तो वो बाहर पहुंच जाएगा, मगर किताबों की दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता है। वैरस जो कुछ भी हिंदुस्तान लिटरेचर बाहर गया है उसके पीछे एक रहा है वो विदेशों का ही रहा है, उन्होंने अपने खर्चे पर चीजें अपने यहाँ पब्लिश करवाई, और चाहे उसमें हमारे मेरे जो गुरु हैं अनुवाद में, उन्होंने जर्मन में कबीर का अनुवाद किया था, हमने भी तैयार है, तो वो उसका अनुवाद हुआ वहां पर, ये तमाम चीजें वहां हुई है जर्मनी में। मगर जो प्रमोशन है या जो उसको सपोर्ट सिस्टम मिलना चाहिए उस कंट्री से जहां से वो लिटरेचर बिलोंग करता है, ऐसा कुछ हमारे यहाँ है ही नहीं। बदकिस्मती लेकिन सच तो यही है। तो मुझे ये लगता है कि जब तक इदारे जो प्राइवेट इदारे हैं, कमर्शियल इदारे हैं, जो हमारे लोगों के चाहे वो यहाँ के हों या बाहर के हों, जब तक वो मिलकर खुद काम नहीं करेंगे तब तक ये सब बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ हम बाहर की किताबों को यहाँ लाते हैं,
ऊपर भी उम्मीद करते हैं कि हमें बाहर वाले पैसे दे दें, और हम अपनी किताबों को बाहर लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं उसमें हमें पैसे मिल जाए। ये होता नहीं, ये कमर्शियली वायबल नहीं है। तो मेरा मतलब, जब तक हम एक कमर्शियल वर्ल्ड को नहीं समझेंगे तो आपने एक बहुत अहम नुक्ता उठाया महेश भाई, एक बिल्कुल अलग से बात की आपने, ये बात की कि जो भारत का लिटरेचर है वो दुनिया में कैसे इंट्रोड्यूस हो, और वो जब तक कमर्शियल अप्रोच नहीं होगी वो नहीं होगा। दो हम अब मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, अब इन दोनों को मैं साथ जोड़ना चाहता हूँ। सैयद तसनीफ हैदर भाई का जो काम है अदबी दुनिया के हवाले से अब सामने आ रहा है वो ये है कि पूरी दुनिया का जो लिटरेचर है वो भारत में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं धीरे धीरे, और जो भारत का लिटरेचर भी है वो एक दूसरी कम्युनिटीज के साथ वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे मैंने रिसेंटली इन्होंने वो एक शॉर्ट स्टोरी स्वापन तिवारी जी की अपनी केवल धार वो लगाई, इसका मतलब ये है कि वो कम्युनिटीज को भी एक दूसरे का लिटरेचर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। ये एक अपनी जगह पर इम्पॉर्टेंट बात है। बाहर का लिटरेचर भी अदबी दुनिया पर पूरी ताकत के साथ, कुव्वत के साथ भारतीयों तक पहुंच रहा है, क्योंकि ऑडियो है, आप हिंदी उर्दू ना भी पढ़ सकें तो आप समझ रहे हैं। अब जो महेश भाई आप बात कर रहे हैं कि भारत का जो लिटरेचर है वो बाहर कैसे जाए, उसमें तो जाहिर है ट्रांसलेशन हो, सरकार के इदारे जो हैं वो ये काम करें, लेकिन एक बात है, हमने भारत के राइटर्स जो कैनेडा में, अमरीका में, यूके में बड़े बड़े नाम जो हैं रहने वाले, जैसे विक्रम सेठ का नाम रहा और बहुत सारे नाम रहे, अरुंधति राय एक जमाने में थी लेकिन जब से वो पॉलिटिकल एक्टिविज्म में एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ चली गई तो अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी, वो एक अलग बहस है, लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम हैं, दर्जनों नाम हैं, मैं हद तक सलमान रुश्दी को भी इसमें शामिल करूँगा, जिन्होंने भारत के लिटरेचर को, क्योंकि वो अंग्रेजी में लिखते थे, बाहर की दुनिया में छपते थे तो वो यहाँ पर बहुत पॉपुलर हुए। अब हम ये भी देखते हैं कि भारत के अंदर रहने वाले अंग्रेजी में लिख रहे हैं, जैसे अश्विन सांघी जी लिख रहे हैं, अश्विन सांघी जी की बहुत अच्छी किताबें हैं, कृष्णा कुंजी उनका एक नावल है, द वॉल्ट ऑफ विष्णु उनका एक नावल है, फिर सियालकोट सागा है, और बहुत सारे नावल हैं, वो अंग्रेजी में लिख रहे हैं और भारत के अंदर बैठे हुए लिख रहे हैं, भारत के बारे में, भारत की सिविलाइजेशन के बारे में लिख रहे हैं, तो वो बाहर तक पहुँच रही है बात उनकी। अमीश त्रिपाठी जी लिख रहे हैं, वो बेस्ट सेलर लिस्ट में आते हैं, बेस्ट सेलर लिस्ट आप और मैं हम सब जानते हैं, कोई ज़रूरी नहीं होता कि हाई क्वालिटी लिटरेचर हो, लेकिन बहरहाल उसकी भी एक अपनी इम्पोर्टेंस होती है। अभी एक यंग राइटर्स वहाँ पे सैवी शर्मा हैं, उनकी दो किताबें आई मैंने पढ़ी, मैं बहुत ज़्यादा लिटरेचर की कैटेगरी में नहीं रखता लेकिन बहरहाल वो इन बिटवीन है। तो ये लोग पहुँच रहे हैं बाहर की दुनिया तक, तो क्या आपको तस्नीफ भाई ऐसा लगता है कि जो अभी महेश दत्त भाई ने बड़ा अहम मुद्दा उठाया कि भारत की सरकार या भारत की अकेडमीज तो ऐसी नहीं है जो भारत के लिटरेचर को पहुंचाएं, वो भारत का राइटर ही है जो अपनी कोशिशों से, अपने टैलेंट से दुनिया को तक पहुंच रहा है, तो आपको तस्नीफ भाई ये जो आपका पूरे का पूरा अब अदबी दुनिया का सफर है, इसमें लगता है कि ये भी कोई पेशरफ्त होगी? मैं महेश भाई से भी इस बात पे जरा आगे चाकर पूछूंगा, पहले आपसे तस्नीफ भाई जानना चाहता हूँ। नहीं बिल्कुल, मुझे लगता है कि सबसे जो बुनियादी जरूरत है वो ये है कि जो रीजनल लैंग्वेजेस में लिटरेचर लिखा जा रहा है, और अब मैं कहता हूँ कि ऐसा हो रहा है कि कुछ प्लेटफॉर्म कर रहे हैं कि जो रीजनल जबानों में लिटरेचर लिखा जा रहा है उनको वो ढूंढते हैं, ट्रांसलेट करवाते हैं, जो अपनी किताबें जो है यहाँ पे वो आ जाती है मंदिर यहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद अभी इसके बहुत ज्यादा होता है, जैसा कि महेश साहब ने कहा, ये बिल्कुल बुनियादी बात है कि हमारे यहाँ रहे हैं ताकि दोबारा पे, मतलब इतना उसने उनके पास जो फंड्स हैं वो उनको बेहतर किताबें और बेहतर प्रोजेक्ट पे काम करने देना चाहिए, और खास तौर पे ये भी हो जो इन लैंग्वेजेस में लिखा जा रहा है, उर्दू में या दूसरी जबान में, मतलब हिंदी में भी, वो एक दूसरे तक पहुंचता रहे, वो उसका तबादला होता रहे किसी तरह से, वो एक दूसरे के साथ, मतलब अगर कोई गुजराती में पढ़ उसे पता रहे कि इस वक्त उर्दू का कॉन्टेम्पररी फिक्शन और जो
उर्दू में पढ़ने वाला है उसे ये पता हो कि भाई एक वर्ड है वो मलयालम में क्या लिखा जा रहा है, तमिल में क्या लिखा जा रहा है। तो ये किस तरह सरकारी तौर पे ही कुछ इस तरह की कोशिशें हो सकती है उसमें बुनियादी तौर पे। और जाहिर सी बात है साहिब साहब ये बात बड़ी हैरानी की है कि जो अंग्रेजी में लिखा जाता है आमतौर पर आ जाता है शाम वो बेस्ट सेलिंग लिस्ट में भी आ जाता है, उसको बहुत मिल जाता है, मिल जाता है बहुत सारी चीजें। लेकिन हम जब हम देखते हैं हम खुद ही और इसके लिए हम कई कहानियां निकालते हैं तो खुद हमें कृष्णचंद्र के यहाँ, रामलाल के यहाँ, उपेंद्रनाथ दत्त के यहाँ, चौधरी के यहाँ, राजेंद्र सिंह बेदी के यहाँ ऐसे ऐसे नादिर और नायाब हैं और हम सोचते हैं कि इन लोगों ने ऐसे ऐसे मौजूद पे लिखा था। तो अभी जैसे कि मैं आपको एक ध्यान दिलाऊंगा कि एक जो ये कन्वर्जन का रुझान है खासतौर पे मुस्लिम कम्युनिटी में के कन्वर्ट करा लिया जाए शादी के वक्त को, इस पे एक बहुत अच्छी कहानी दो कौमे के नाम से मंटो में लिखी है। आप सोचो उस वक्त लिखी हुई कहानी वो हमारे यहाँ आज भी इतनी रेलेवेंट है, उसको उसी तरह से पढ़ा जा सकता है, उसकी दूसरी ताबीरें हो सकती है। मतलब मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें जो है वो बहुत ज्यादा उनको देखने की जरूरत है वो, और जो इस तरह के खजाने छिपे हुए हैं उनको मंदरे आम पे दोबारा लाने की, उनको ट्रांसलेट करवाने की और इस तरह से चीजें फैलाने की जरूरत है। आपने बहुत अच्छी बात की कि अब रिवाइवलिज्म की भी जरूरत है, लिटरेचर को रीडिस्कवर करने की जरूरत है और जो भारतीय लिटरेचर है चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का हो, और पाकिस्तान को मैं हर बार कहता हूं कि वो भारत का ही हिस्सा है चाहे वो एक अलग से कंट्री है इससे हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन वो भारतीय धरती का हिस्सा है जैसे यूरोप के सारे कंट्रीज जो हैं वो मिलकर यूरोपियन कंट्रीज ही हैं, तो वो एक ही तहजीब है। खैर ये एक अलग बहस है। मैं महेश भाई आपकी तरफ आता हूँ, आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया, आपने कहा कि कोई सरकारी एफर्ट नहीं है, खुद राइटर्स की अपनी वजह से कोई भारत का लिटरेचर दुनिया में पहुंच जाए तो अलग बात है। क्या पॉसिबिलिटी आपको नजर आती है महेश भाई कि क्या कभी कोई सरकारी एफर्ट्स हो सकती है, अगर नहीं हो सकती तो किस तरह उस सरकारी एफर्ट को पॉसिबल बनाया जाए, बिकॉज इसके बगैर तो भारत का लिटरेचर कैसे पहुंचेगा। बॉलीवुड पूरी दुनिया तक पहुंच गया, डांस पहुंच गया, योगा पहुंच गया, लिटरेचर नहीं पहुंचा, तो क्या आपको इसकी पॉसिबिलिटी नजर आती है? बहुत मुश्किल है, मैं सही बताऊं भाई उम्मीदें दम तोड़ती हैं तो साहित्य में मुझे तो कोई उम्मीद ये नहीं नजर आती। कम से कम साहित्य ने बहुत अच्छी बात कही कि तमाम रीजनल हमारी लैंग्वेज तमाम वहाँ पर जो लिटरेचर लिखा जा रहा है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मलयालम में हमारे यहाँ जो लिटरेचर लिखा जा रहा है या मलयालम में जो लिटरेचर आ रहा है, आप हैरान होंगे कि प्रोबेबली हिंदुस्तान की किसी जबान में शायद ही इतनी कॉपीज किसी एक किताब की छपती हो जितनी मलयालम में। केरल में मलयालम एक पब्लिशिंग हाउस को नाम लेना प्रोबेबली ठीक नहीं होगा, उसके पैर जमीन पर ही नहीं पड़ते साहब के हमारे उसके दोस्त में हमारे, मगर वो जमीन पर ना पड़े मतलब ये कि वो विदेश नहीं घूमते रहते हैं, दुनिया भर से लिटरेचर लेकर वो आते हैं, मलयालम में उसका तजुर्बा होता है और वो वहाँ छपता है। कोई भी किताब 5,000 से नीचे नहीं, और आप ये देखिए हर किताब बिकती है, दुनिया भर का लिटरेचर आपको मलयालम में मिल जाएगा, मलयालम का लिटरेचर आपको हिंदुस्तान में बहुत भी नहीं बहुत कम है। पंजाबी तो आप समझिए क्योंकि आपका मर्यादा देखी थी किसी मर्यादा परिवार परिवार को किसी मर्यादा शाम को तो आप वहां का माहौल देखिएगा और एक नॉर्थ इंडियन जो टिपिकल एक फैमिली होती है आप वहां किसी के यहाँ शाम को जाइए तो आपको फर्क पता लग जाएगा मैं क्या कहता हूँ। मेरे कहने का मतलब बड़ा सुंदर है कि यहाँ शाम को कोई भी नॉर्थ इंडियन नॉर्मल मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास नॉर्मल एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ वो शाम को बीपीएल की बोतल खोलेगा प्रेम एक किताब खोलेगा, ये फर्क है। बंगाल में आपको तर्जुमा मिल जाएगा किताबों पर, हिंदी में जब तक आप पैसा ना लगाए लेखक पैसा ना लगाए या कोई और पैसा ना लगाए आपको वो किताब हिंदी में बहुत कम आते नजर आएगी।
आपने अंग्रेजी लिखने वालों को एडिट किया, आत्मीय संगीत जी से मैं पढ़ रहा हूँ, वर्ल्ड ऑफ विष्णु पढ़ रहा हूँ मैं, आप मुझे मैंने कुछ सुना था, मुझे पढ़ने की इच्छा हुई तो मैंने देखा तो पढ़ रहा हूँ। लेकिन आप ये देखिए ज्यादातर हिंदुस्तानी जो से बात होता है वो है कौन, अंग्रेजी में लिखते, जो लोग अंग्रेजी में लिखते हैं। और आप उनमें से बहुत सारी किताबों को मैं बताऊँ विदेशों में पॉपुलर नहीं हुई मगर हिंदुस्तान में नहीं चलता। आप लिटिल फेट ट्रेवलर को देख लीजिए, दुनिया भर में पढ़ा गया, बेस्ट सेलर रहा, हिंदुस्तान में नहीं चला, मैंने पब्लिश किया 1600 में। तो मैं कहने की कोशिश सारी चीज से ये कह रहा हूँ कि बेहतरीन लिटरेचर भी, क्योंकि वो वहां के माइंड सेट को जब आप अंग्रेजी में देख रहे हैं तो आपको मालूम है कि आपका मेजोरिटी लीडर कहाँ है, वो फॉरेन में, तो आपको उसको दिमाग में रखकर अपनी लीडरशिप को दिमाग में रखकर आप लिख सकते हैं। लीडरशिप काम में भी एक पॉलिटिक्स होती है, आपको अपने लीडर को भी हमें पसंद नहीं जाती। तो ये जब आप उस माइंड सेट को ध्यान में रखकर देखें तो आपके लिए वो एरिया इग्नोरेंट हो जाता है। आप देखिए ना अरुण भक्ति रॉय के नॉवल को चाहे सारी दुनिया में पढ़ा गया है, कोई फिल्म नहीं उसके ऊपर, कोई सीरियल बना उसके ऊपर, ने कुछ काम किया उसके ऊपर आज तक नहीं। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब उनको वैसे मिला था, उनको अवार्ड मिला था उसमें बुक पर, और उसके बाद की जो भाई पॉलिटिक्स में जो लेफ्ट पॉलिटिक्स में आई है वो तो नर्मदा वाले आंदोलन के बाद मैंने दूसरे पब्लिशर से कहा कि भाई अपने अपने नॉवेल्स के मुझे एक्सेप्ट आप दीजिए ट्रांसलेट करवा, वो इतना भी पैसा नहीं खर्च करने का तैयार थे कि वो अपने नॉवेल्स के अंग्रेजी में एक्सेप्ट लिखवा पाए। अब शायद मुझे जहां बदलाव की हालत नजर आ रही है, जब ये सरकार आई उसमें बदलाव की स्थिति ये है कि अगर आप इनोवेटिव नहीं होंगे प्रदूषण तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि जो सरकारी खरीद हुआ करती थी किताबों की अब वो बंद हो रही है। जो सरकार के बल पर आप सोचते थे कि भाई यहाँ हमारी किताबें चली जाएंगी और बिल मेक और मनी, वो किस्सा अब खत्म हो रहा है। तो अब पब्लिशर्स को हरेक अभी चाइना आप देंगे, अगेन नामों पर नहीं जाता हूँ मगर एक सज्जन है दिल्ली में जो इस समय चाइनीज लिटरेचर छाप रहे हैं और अच्छा खासा बना रहे हैं। अब क्वालिटी तो हमें से कितने लोगों को चाइना की कल्चर का अंदाज है, जब आप चाइना का लिटरेचर पब्लिश कर रहे हैं या ट्रांसलेट कर रहे हैं, आपको दरअसल जानकारी कितनी है उसकी सोसाइटी ना, सोसाइटी को जानते हैं ना उसके पोलिटिकल बैकग्राउंड को आप जानते हैं, लेकिन आप क्योंकि आपको अंग्रेजी में कुछ शिक्षा दिया गया है और आपको प्रमोशन तब तक नहीं हो सकती जब तक दोनों तरफ ये जो लेन देन है अरबी उसको शुरू किया जाए और ये देखा जाए कि दुनिया को हमें किसने किस तरह से, मेरा मतलब अरबी दुनिया को किसने किस तरह से वायबल बनाना है, इकोनॉमिकली वायबल बनाना है। जब तक वो नहीं होगा तब तक हम अच्छी अच्छी बातें तो कर सकते हैं मगर अच्छी अच्छी बातें बस बातें ही होंगी। देखिए महेश भाई, जो आप कह रहे हैं बहुत अहम नुक्ते हैं, दो बातें आपने और छेड़ी। एक तो यह है कि इकोनॉमिकली वायबल बनाएं, आपने पहले भी कहा कि जब तक कमर्शियल चीज़ें नहीं होंगी चीज़ें वायबल नहीं होंगी, मगर जो कमर्शियल बनाने वाले पब्लिशर्स हैं उनका विजन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ किताबें बना के बेचना चाहते हैं। लेकिन हम एक कारोबारी आदमी से, दुनिया का कहीं भी कारोबारी आदमी हो, उससे हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो कोई आइडियलिज्म भी अपने अंदर रखेगा, वो तो बस सिर्फ और सिर्फ दो पैसे बनाने की बात करेगा। ये काम जो आपने बात की वो सरकारों के होते हैं। मुझे ये बात आज वाकई महसूस हो रही है आप दोनों से बात करते हुए कि मैं भारतीय डिप्लोमेट्स जो दुनिया भर में हैं, मैं कई इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में और स्विट्ज़रलैंड में मैं मिला कईयों से, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि किताब की कोई बात नहीं करता, कि भारत के किताब को, भारत के लिटरेचर को या भारत के नॉन फिक्शन को हम किस तरह भारत से बाहर इंट्रोड्यूस करें ये बात नहीं करते। योगा की बात होती है, भाई योगा की बात होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, मगर किताब के बगैर जो किसी भी मुल्क के कल्चर
कई एक तरह से असास होती है, बुनियाद होती है, उसकी बात नहीं करता। इस पर मेरा ख्याल है हमें भारतीय सरकार की तवज्जो मबजूल करवानी चाहिए। मैं तसनीफ भाई, अब मैं थोड़ा सा इस मसले को छेड़ना चाहता हूँ कि लिटरेचर इस वक्त भारत में लिखा किस तरह का जा रहा है। जो भारत में हमें लिटरेचर लिखा हुआ नजर आता है, एक तो वही जो जैसे रामायण है, महाभारत है, उनकी नई से नई जो है प्रोडक्शंस हो रही हैं, वो एक अच्छी बात है, लोगों तक हिस्ट्री पहुंचे, मगर उसमें भी कमर्शियल एस्पेक्ट पब्लिशर्स का ज्यादा नजर आता है। जिन सब्जेक्ट्स को मैंने देखा जो भारत में इस वक्त लिखे जा रहे हैं, जैसे आपने अपने अदबी दुनिया में अफसाना लगाया अपनी केवल धार, वो एक पॉलिटिकल सिनेरियो है कि भाई एक आदमी जो छुरियां जो जिसका बाप तेज करता था, तो वो उसका बेटा उस काम में आया, फिर उसने छोड़ दिया, दिल छोड़ दिया कि चूंकि अब छुरियां इतनी सस्ती मिल जाती हैं, तो वो बेचारा सब्जी तरकारी बेचने पे, नारियल बेचने पे आ गया। तो फिर उसको एक से ख्याल आता है कि मैं अपने बाप के जाऊं कारोबार की तरफ वापस जाऊं, तो वो बाप के कारोबार की तरफ वापस जाता है, तो वो जब छुरियां तेज करने के लिए निकलता है तो एक मोहल्ले में बहुत सारे लोग छुरियां तेज करवाते हैं, और दूसरे मोहल्ले के लोग भी फिर उसको बुलाते हैं, वहां भी छुरियां तेज होती है, और दूसरे दिन दोनों मोहल्लों के लोग एक दूसरे के गले काटते हैं। वो सियासी एक सीन है कि जो अपनी केवल धार जो है, जो स्वपन तिवारी जी का शॉर्ट स्टोरी है, ये एक आज की सूरत हाल है। आज से मुराद ये है कि चाहे दुनिया का कोई भी समाज हो, उसमें जो पॉलिटिकल डिवीजन बन चुकी हैं, चाहे अमेरिका में आप देख रहे हैं किस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हमारे कनाडा में किस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, भारत में बहरहाल एक चलता रहता है सिलसिला पॉलिटिकल राइवलरी का, जो एक वाइब्रेंट सोसाइटी का हिस्सा होता है। क्या इस तरह का लिटरेचर, मैं इसको एक मिसाल बना रहा हूँ अपनी केवल धार शॉर्ट स्टोरी को, इस तरह का लिटरेचर या जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं, मैं सेवा वो सैली शर्मा का नॉवल यहाँ पे जरूर इसकी एक लाइन बताना चाहता हूँ कि वो अपने नॉवल में कहती हैं कि स्टोरीज वी नेवर टेल, जैसे कोई दिल्ली का एक अपर मिडिल क्लास हो, लव अफेयर हो, और उसकी वो एक फैंसी, जैसे कहते हैं ना फैंटेसी, माफी चाहता हूँ, फैंटेसी स्टोरी है, वो भी बिक रहा है। तो लिटरेचर किस तरह का बिक रहा है, मैं आप दोनों से पूछूंगा, पहले तस्नीफ आप से, जो इस वक्त का कंटेम्परेरी लिटरेचर है भारत में वो किस तरह का लिखा जा रहा है। असल में तायर साहब, जब हम भारत की बात करते हैं ना, तो भारत के बारे में मतलब ये इतना बड़ा होता है और इसमें इतनी जबाने हैं और इतना लिखा जा रहा है कि मैं उसके बारे में शायद उतने यकीन से कुछ कह सकता हूँ। मुझे ये पता है कि दूसरी जबानों में चीजें अच्छी लिखी जा रही है। अब मैं आपको बताऊंगा, पिछले साल शायद चित्रा मुद्दल एक नॉवल को जो कि हिंदी में लिखा गया था, पोस्ट बॉक्स नंबर 12, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, उसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, तो वो ट्रांसजेंडर के इशू पे लिखा गया था। ऐसे ही दूसरे इशू पे भी लिखा जा रहा है, अब तो शायद वो LGBTQ के मसाइल पे भी बहुत सारे जबानों में लिखा जा रहा है और बहुत सारे दूसरे इश्यूज हैं उन पर भी लिखा जा रहा है। लेकिन मैं जाहिर है कि मेरी नजर है, लेकिन इतनी नहीं है सबके बारे में किसी तरह की टिप्पणी कर सकूं, लेकिन मैं बहरहाल उर्दू के बारे में आपको बता सकता हूँ कि हिंदुस्तान में, मैंने अपने कुछ आर्टिकल्स में भी ये बात लिखी है कि हिंदुस्तान में हमारा हाल ये हुआ है, गजल ने हमारा ये हाल कर दिया है कि अब हमारे पास नई नस्ल एक भी अफसाना नगार नहीं है। तब हमारी जो लास्ट यहाँ की जो नस्ल है, जो अफसाना लिख रही थी और बेहतरीन अफसाना लिख रही थी और लिख रही है भी, शायद वही फिक्शन लिख रही है अभी भी, क्यों है उसमें सिद्दीक आलम है, वसीम मशदी है, खालिद जावेद हैं, और मेरे ख्याल से इस तरह के सब नाम और हैं, लेकिन उनके बाद देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में उर्दू में अफसाने जो है वो नापैद हो गए हैं, वो लोग लिखते ही नहीं है, क्योंकि कोई भी शख्स आता है तो उसका ये उसके जो शोहरत की जो एक हवस है वो उसके तरफ ले जाती है कि मैं अगर एक 5 शेर की गजल कह के फेसबुक पे लगा के अच्छे खास से लाइक बटोर सकता हूँ, या फिर मैं अच्छा खासा मुझे एक गजल की किताब आने पे जो एप्रिसिएशन मिल सकता है, या मुझे मुशायरे मिल सकते हैं, या मुझे पैसा मिल सकता है, नाम मिल सकता है। वो फिक्शन एक मेहनत चाहता है, फिक्शन में जाहिर है कि आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, आपको ज्यादा आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत कीन होना चाहिए,
तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत मेहनत तलब है, वो मेहनत मांगती है। और ये मेहनत करने के लिए कुछ हमारा जो उर्दू का जो राइटर है वो इसलिए तैयार नहीं हो पा रहा, फिक्शन राइटर साहब से तो लिख भी रहे हैं, उनके साथ मामला ये है कि आप उनकी कहानियां पढ़ें कि आपकी खबरें और बढ़ा दिया और बढ़ा दिया है और आपको किसी खबर को विस्तार से सुना रहे हैं, बस यही इसी तरह की कहानियां वो लिख रहे हैं उर्दू में खासतौर पर। हिंदी में आना के कुछ नाम है जिनको मैं जानता हूँ, अभी अविनाश मित्र हैं, अविनाश मित्र का एक नॉवेल आया है शेखर इवनिंग के ही, उसमें उन्होंने नॉवेल लिखा है भाषा नगे का मशहूर नॉवेल रहा है, तो उससे शेखर एक नई जीवनी तो उन्होंने लिखा है। और अलावा भी जाहिर है कि दूसरे मेरे जो हिंदी में मैं उनको देख थोड़ा लिख रहे हैं कहानियां लिख रहे हैं, अभी भी उनमें भी कोई ऐसा नाम अभी अपनी तरह नहीं बना पाया है जो इस तरह के इतना बेहतर लिख सकता जितना के हमारे यहाँ दायरे की शायरी हो रही है। तो मुझे मैं अफसाने को लेकर थोड़ा सा दिक्कत हाल है, अगर पसंदाना तौर पर दिया करूँ तो वो थोड़ा मायूस होने है, वो उसे थोड़ा आप उसके जब देखें जमीनी तौर पर जमीनी सतह पर देखें तो वहाँ मायूस करती है सूरत। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग हम इसके लिए हमारे जो जो नया जो कारी है जो नया रीडर है जो नया लिसनर है उसे पहुंचने चाहिए, अगर उसका इंटरेस्ट है लिटरेचर में तो उसे पता चलना चाहिए कि कहानी क्या चीज है उसकी क्या अहमियत है। इसीलिए हम चाहते हैं कि फिक्शन पहुंचेगा तब फिक्शन आ ही जाएगा, उसके लिए तरबियत होनी चाहिए, तो वो तरबियत बहुत जरूरी है, काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आखिर में महेश भाई आज की जो हमारी बातचीत है उसमें आपसे भी जानना चाहूँगा, जो बात मैंने तस्नीम हैदर भाई से पूछी वो आपसे भी जानना चाहूँगा कि बहुत अच्छी बात की तस्नीम भाई ने कि इतनी जुबानें हैं भारत में और इतना बड़ा मुल्क है, वो वाकई कहना मुश्किल है कि किस तरह का लिटरेचर लिखा जा रहा है, लेकिन जब भारत की बात होती है तो हमारा ज़्यादा जोर जो मरकज़ी जुबानें हैं उन पर हैं जैसे इंग्लिश और हिंदी है। और लेकिन ये वाकई इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे मलयालम में आपने बात की वो बास किताबें तो हिंदी से ज्यादा छप रही है वहां पे, तो बहरहाल ये बातें तो हम आगे बनाएंगे आप मैं और तस्नीम भाई, ये बातें हम कई शोज और करेंगे, इस पे बातचीत को हम आगे और एक्सप्लोर करेंगे एक्सपेंड करेंगे दोनों सूरतों में। तो महेश भाई आखिर में ये बताइए कि जो बात मैंने तस्नीम भाई से पूछी वही आपसे एक तरह से कि जब इतनी जुबानें हैं इतना एनरिच कल्चर है तो पब्लिशर्स क्यों तवज्जो नहीं दे रहे उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, क्योंकि आपकी पब्लिशिंग दुनिया से बहुत तल्लक रहा सर, इसमें कमर्शियल फायदा है, ऐसी बात नहीं है कि कमर्शियली फायदा ना हो। आप सही कह रहे हैं लेकिन मेरा जवाब शायद तस्नीम भाई से बहुत अलग नहीं होगा। उसका वजह यह है कि जो उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया तबीयत, वो तरबियत दरअसल हमारे राइटर्स को है ही नहीं, कम से कम जो मौजूदा राइटर्स हैं उनमें मुझे नजर नहीं आ रहा। और हिंदी में जैसे कुछ लोग लिखते हैं, मैं आपको हिंदी उर्दू में एक नाम मैं आपको दे देता हूँ, बुजुर्ग हैं मगर उनके काम को वो तवज्जो नहीं मिली वर्दी जो मिलनी चाहिए। शमोल अहमद, शमोल अहमद की एक कहानी है सिंगारदान, अब सिंगारदान को आप लीजिए कि वो पीछे एक हमारे आजकल फैशन चला हुआ है नक्सली बनाने का, तो उसके किसी ने चोरी कर ली, हमारे और आपके एक कॉमन फ्रेंड है उन्होंने भी उन इसी कहानी को उनसे मैंने ही अग्रीमेंट किया था उस कहानी का उनसे, उन्होंने भी उस कहानी को ऊपर लेकर कुछ काम करना चाहा, चार साल तक कोई काम नहीं किया, फाइनली राइट वापस लिए। मतलब पिछले हफ्ते मेरी जब सुमेल भाई से बात हुई और जरा सोचिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा यार जो इसमें तवायब है इस कहानी में, ये तवायब ने पता नहीं कितना कमाया, मुझे तो खूब मार दिया कि वो कहानी आज तक कहीं उसकी न फिल्म बनी न सीरियल न कुछ और, लेकिन माल मुझे लगातार दे रहे कि हर कोई ले जाता है चोरी करके, हर कोई करता है, मैं केस करता हूँ मुझे पैसे मिल जाते हैं। मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि हर एक इन तमाम चीजों के पीछे दरअसल एक नियत, दूसरा जिसको आप वेस्ट में रहते हैं तो आप इस बात को बेहतर समझेंगे, एक जो सीधा सीधा काम करना होता है हमारे यहाँ वो होता नहीं। आप एक फिल्म बनाएंगे
तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये मैंने फला किताब से लिया है, वो पता लोग वाला तो चल रहा है हमारे अमेज़न प्राइम पर, तो अब कोई भी हमारे दोस्त को तरुण तेजपाल उसे क्रेडिट नहीं देता, चाहे उसको पैसे दे दिए लेकिन क्रेडिट नहीं देंगे हम। तो हर लिटरेचर की भी एक पॉलिटिक्स है, और आप यकीन माने कि कभी हम लोग इस पर अगर शो किया तो हम लोग बात करेंगे। लिटरेचर की जो पॉलिटिक्स है इसको मैंने जितना नजदीक से देखा है और जितना भुगता है वो उसका खुदा है मालिक है। और हिंदी में तो ये भरपूर अंदाज में की जाती है, हिंदी उर्दू ये दूसरे से दूर नहीं है। मतलब अगेन हमारे आपके एक कॉमन दोस्त हैं जो शायर भी हैं बम्बई में, उनकी एक किताब को बाकायदा साहित्य अकेडमी के प्रेजिडेंट ने मुझसे ये कहा कि साहब इनकी ये किताब लाइए इनको हम अवार्ड दे देंगे। जरा सोचिए वो किताब जो आज तक आई ही नहीं, एग्जिस्टेंस में नहीं है, उस पर साहित्य अकेडमी अवार्ड देने की बात करती है। साहेब भाई ये 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 जो लिटरेचर की दुनिया है ये हिंदुस्तान में लिटरेचर अच्छा दिखा जा ही नहीं सकता उनका तवज्जो के साथ जब तक ये पॉलिटिक्स इससे अलग ना हो। हम लोग हर चीज में सियासत करते हैं और लिटरेचर में तो कहना ही है, इसमें तो जितना कम कहा जाए उतना बेहतर, समझा जाए ज्यादा जाए। ये इसमें तो मैं बिल्कुल मायूस हूँ भाई की तरह से ही, क्योंकि कोई पढ़ना नहीं चाहता, हर एक को ये लगता है कि कुछ बलकर कहानी दी जाए, कुछ होमोसेक्सुअलिटी डाल दी जाए, कुछ सेक्स का तड़का लगा दिया जाए ताकि हमारी कहानी चल जाए। और ये मैंने पब्लिशर्स को कहते देखा है, संपादकों को पत्रिकाओं के कहते देखा, तो मैं इन चीजों पर तो फिर आप तरबियत की बात कहाँ से लाएंगे। जब तक आप मंटो को नहीं जानते हैं, फैज को नहीं जानते हैं, चुपकाई को नहीं आपने पढ़ा है, मैं आज भी मेरे बिस्तर पर इसमें चुपकाई की कागजी है पैरहन रखी रहती। मुझे जब भी कभी लगता है कि मैं भाषा में कमजोर हो रहा हूँ, लैंग्वेज में कमजोर हो रहा हूँ, तो मैं उस किताब पर वापस जाता हूँ। मेरे लिए अपनी लैंग्वेज पर काम करने का और कोई तरीका ही नहीं सिवाय कि इसमें चुपकाई के पास जाओ। तो इसलिए बिल्कुल तस्लीम भाई की तरह से मैं मायूस हूँ। मुझे लगता है कि हमारे आज की जनरेशन के लोग ज्यादा पढ़ना चाहिए, लैंग्वेज पर ज्यादा काम करना चाहिए। अगर मैं उनकी मात्राओं को ठीक करूँ तो उन्हें तकलीफ होती है, अगर उनको उनकी स्पेलिंग्स गलत हों तो मैं उनको बताऊँ कि आप ये स्पेलिंग ऐसे नहीं ऐसे होती है, तो उनको बुरा लगता है, उनकी ईगो हर्ट होती है। तो इसलिए जो लिटरेचर यहाँ नहीं बन पाता है साहेब भाई, इसके जो रीजन है वो दरअसल बड़े सतही आपको लगेंगे सुनने में, लेकिन सच ये है कि वो हमारे रोजमर्रा की पब्लिशिंग में है, वो कैसे उस चीज को प्रमोट करेंगे, उस पर पैसा लगाएंगे जिसको उन्हें मालूम है कि वो अगर गवर्नमेंट उसको परचेज ना करे तो दरअसल उसको बेचेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों दोस्तों का, और आप दोनों दोस्तों ने इतनी बातें की कि मेरे अगले 10 शो इसमें से निकलते हैं। और खास तौर पर महेश भाई जो आपने आखिर में कहा कि लिटरेचर में जिस तरह की पॉलिटिक्स एट प्ले है और खास तौर पर भारत में, वो पॉलिटिक्स हमें इंटरनेशनल लेवल पे भी नज़र आती है, मुझे कहीं कहीं कनाडा में भी नज़र आती है, अमेरिका में भी नज़र आती है, यूरोप में भी नज़र आती है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि भारत की सतह पे जब मैं देखता हूँ किताब नगरी को वहाँ पर, तो वहाँ पॉलिटिक्स मुझे बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है। तो ये एक अलग एक तरह से हमारा मुद्दा बनता है बातचीत का। जी आप कुछ और कहना चाह रहे हैं महेश भाई? एक पार्टी शॉट में मैं आपको एक चीज बताऊं। आपने जिसे जिक्र किया था पब्लिशर का क्या रोल होता है, जर्मनी में पब्लिशिंग हाउस है दो काम प्रभाग पब्लिशिंग हाउस में है, जो संस्थापक थे जो जो फाउंडर थे दो काम बना किया था कि आप अपना टाइटल ये ना रख एक पर्टिकुलर था, ऑथर ने जिद की। मैं आपको बता रहा हूँ पब्लिशर कैसे कंट्रीब्यूट करता है एक ऑथर को, ऑथर ने जिद की कि नहीं मेरा नॉवल छपेगा तो इसी टाइटल में रह सकेगा। वो नॉवल बहुत अच्छा होने के बावजूद नहीं चले, तो जब नहीं चला और साल में उसने 50 या 100-150 कॉपी जो बिकी, पब्लिशर ने उसकी रॉयल्टी भेजी, तो उन्होंने पूछा भाई मेरे इस नॉवल को
और जर्मनी की तमाम जो बुक परचेज होती है वो लोग करते हैं गिफ्ट करने के लिए किताबों को, तो भला किसी खुशी के मौके पर एक गमगीन नाम किताब सुनने का थी। एंड दैट्स व्हेन ऑथर रियलाइज कि भाई दरअसल मुझसे गलती हुई, मुझे अपने नॉवल का नाम दूसरा और ऑथर, तो वो एक गलती एक बेहतरीन उपन्यास को चलने से रोक गई। तो पब्लिशर का कॉन्ट्रीब्यूशन बराबर का है, बट बशर्ते कि वो लोग ऐसे अदर टीम काम करें, ईगो से परे होकर अगर काम किया जाए तो ये सब चीजें आसानी से की जा सकती है। दरअसल कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पब्लिशिंग एक नॉर्मल कमर्शियल काम है, एक्टिविटी है, जैसे कि बाकी चीजें आपको प्रमोशन करना पड़ेगा लोगों को के साथ, बट आप समझ रहे हैं कि मैं कहां इशारा कर रहा हूं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और मैं आज का शो इस बात पे खत्म करूंगा जो आपने बड़ी अहम बात की कि राइटर को अपने काम को समझना जरूरी है और पब्लिशर को अपने काम को समझना जरूरी है। ये लैग हमें नजर आ रहा है हमारी बुक इंडस्ट्री में। राइटर अपने तौर पर अकेले कुल हो जाता है, बहुत सारी चीजें हैं जो राइटर को समझनी है, और पब्लिशर तो मैंने देखा बहुत सारी चीजों को समझते ही नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ कारोबारी नुकता नजर को समझते हैं कि कितने पैसे आने हैं। वो उनको भी अदब का या इवन जो नॉन फिक्शन भी है उसका जो दर्जा है उसको समझना, यानी किताब को समझना, लिखत को समझना पब्लिशर के लिए भी बहुत जरूरी है जितना राइटर के लिए है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बातचीत ना खत्म होने वाली है, मगर इस ना खत्म होने वाली बातचीत को हम चलाते रहेंगे, कई किस्तों में चलाएंगे। आपने बातचीत सुनी महेश दत्त और तस्नीम हैदर की, बहुत सारी बातें हमने डिस्कस की, दोनों दोस्त हमारे साथ स्काइप पर जुड़े हुए थे। कुछ आपको आवाज़ का मसला इस शो में आएगा, चूँकि स्काइप पे जो हमारा वीडियो लिंक है दोनों तरफ से वो बहुत क्लियर नहीं था, शायद वाईफाई की वजह से, मगर बातचीत बहुत क्लियर थी। और वो बातचीत ये है कि इस बातचीत को आगे जाना चाहिए। भारत में जो किताब नगरी है उसकी जो प्रमोशन के लिए भारत की सरकार ज़रूर अपने योगदान डालना चाहिए और इसमें हिस्सा डालना चाहिए, ताकि जब भारत का कल्चर पूरी दुनिया में हम उतारफ कराते हैं, बॉलीवुड की बात करते हैं, योगा की बात करते हैं, म्यूज़िक की, डांस की बात करते हैं, किताब की बात नहीं करते, वो करना ज़रूरी है। ऐसी अकेडमीज जहां पर पॉलिटिक्स कम हो, लिटरेचर की प्रमोशन और जो नॉन लिटरेचर भी बढ़िया लिखा जा रहा है उसकी भी प्रमोशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किताब की मदद के बगैर दुनिया के जो कल्चर्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से आगे नहीं जाते। एक तो ये बात अहम है, दूसरी तरफ ये बात भी कही जाती है कि आज की दुनिया में किताब को कम पढ़ा जाता है, किताब को सुना ज़्यादा जाता है। मैं भी किताबें सुनता हूँ, मगर किताबें वही सुनी जाएंगी जो लिखी हुई होंगी। जब तक कुछ लिखा हुआ नहीं है ना तो उसका ऑडियो बन सकता है ना वीडियो बन सकता है, लिहाजा किताब का लिखना ज़रूरी है। जब किताब लिखें तो उसको प्रमोट करने के लिए थोड़ा सा सेल्फलेस एटीट्यूड भी ज़रूरी है, चाहे वो सेल्फलेस एटीट्यूड पब्लिशर्स का हो, चाहे सरकारों का हो, चाहे अकेडमीज का हो। किताब नगरी में बिला तकल्लुफ बातचीत हम करते रहेंगे ताहिर गौरा के साथ। YouTube पर टैग टीवी का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाइए। किसी किस्म का चैलेंजिंग ज़माना हो, टैग टीवी अपने व्यूज़ और न्यूज़ लाने में देर नहीं करता। आपका तावन भी हमें चाहिए। टैग टीवी को अगर आप स्पॉन्सर्स कर सकें, आप इश्तहार दे सकें, तब भी हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। किताबें जो पढ़ी जाती हैं मगर समझी नहीं जाती, किताबें जो लिखी जाती हैं मगर पढ़ी ही नहीं जाती, किताबें जो मकबूल होती हैं मगर कबूल नहीं होती, किताबें जो बेमिसाल होती हैं मगर मसाली नहीं बनती। किताब नगरी में किताबों का चर्चा हर हफ्ते लेकर आऊँगा आपके लिए, अपने लिए। किताब नगरी ताहिर गौरा के साथ।
subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.